अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कुख्यात अपराधी भानु पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। 25,000 का इनामी घोषित अपराधी था। बता दें कि मैनपुरी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सघन चेकिंग अभियान चल रही थी। चेकिंग के दौरान ज्योति बाईपास रोड पर विद्यालय के समीप सफ़ेद रंग के अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने रोका। भागने पर पुलिस द्वारा पीछा करने पर अपाचे पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। भेड़ हुई है सर, कहाँ की घटना, कितना बड़ा चीज़ आई है? कोतवाली इंस्पेक्टर मय फोर्स के साथ आज देवी जो बाईपास रोड है उस रोड पे चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक से जाते हुए दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए जिनको रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे गोली चलाई गई। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाया जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, दूसरा वहाँ से फरार हो गया। घायल व्यक्ति ने अपना नाम भानु गिहार बताया। यह इसके ऊपर लगभग 19 मुकदमे हैं, विभिन्न जिलों में इसके ऊपर मुकदमे हैं। यह शराब का भी काम करता है और लुटेरा है। आगरा और अन्य तमाम जनपदों में ये क्राइम कर चुका है। यहाँ पर भी ये गैंगस्टर में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और घायल हुआ है, इसको उपचारार्थ इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ और भी था सर कोई? इसके साथ एक व्यक्ति और था जो फरार हो गया जिसकी तलाश। पुलिसकर्मी पर भी गोलियां चलाई? हाँ, पुलिसकर्मी पर भी गोली चलाई है लेकिन हमारे अपने को बचाते हुए उन्होंने फायर किया जिससे वो घायल हुआ है। कोई रिवार्ड सर दिया जा रहा है टीम को? 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित था जो इनको प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि जवाबी फायरिंग के दौरान बाइक पर सवार एक बदमाश गोली लगने से बाइक का संतुलन बिगड़ने के बाद गिर गया। बदमाश दूसरा भागने में सफल हो गया। वहीं पीछे बैठा एक बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम भानु गिहार बताया है। जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पकड़ा गया अपराधी कुख्यात अपराधी है। जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी लूट जैसी घटना को अंजाम दे चुका है। मैनपुरी में कई घटनाओं में लिप्त है। उन्होंने बताया कि उसका मुख्य पेशा अवैध शराब कारोबार का है। बताते चलें कि पकड़े गए अपराधी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। भानु गिहार के पैर में गोली लगी है जिससे वह भाग जाने में सफल नहीं हो पाया। वहीं बता दें कि भागे हुए अपराधी की धरपकड़ की कोशिश जारी है। बहरहाल इस कुख्यात अपराधी के पकड़े जाने से स्थानीय क्षेत्र में काफ़ी संतोष है। मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।